हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों 8th of September को मैंने लास्ट वीडियो अपलोड करी थी, उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था मेरे एग्ज़ाम्स हैं, तो मेरे एग्ज़ाम्स 23rd को फिनिश हुए हैं। तो मैं अब ये वीडियोस की सीरीज़ दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ और मेरा दोबारा से फुल फोकस स्टॉक मार्केट पे ही होगा, और कुछ पर्सनल रीजंस थे उस वजह से भी मैं अपलोड नहीं कर पाया था। तो बट आई एम फ्री नाउ और पूरी जो भी मेरी डेडिकेटेड होंगी वो सारी स्टॉक मार्केट और यूट्यूब चैनल पर ही होगी और सिखाने में ही होंगी। सो यहाँ से कंटिन्यू है, अब हर दिन आप लोगों को मिलेगी क्योंकि अब ना एग्ज़ाम्स है बीच में ना कुछ और है, तो हम पूरा फोकस्ड अपना स्टॉक मार्केट पे कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग नई इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखते हुए चलेंगे। सबसे पहली आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो सिर्फ मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की बना रहा हूँ, ये मार्केट में क्या हो रहा है, किस तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। कल संडे को मैं मंडे के लिए स्टॉक्स अपडेट करूँगा कि मंडे को कौन से स्टॉक्स पर आप ट्रेड कर सकते हो, और वो सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। और जो भी फ्राइडे और सैटरडे को हम स्विंग ट्रेड्स लेकर आते थे, चार्ट ऑफ द वीक लेकर आते थे, वो सारी चीज़ें भी कंटिन्यू रहेंगी और हम इस तरीके से ही आगे बढ़ते रहेंगे। तो प्लीज़ सपोर्ट दीजिएगा क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ, तो आप लोगों का सपोर्ट ही मुझे और अच्छे से ऊपर लेकर जाएगा। सो सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की, ठीक है। सिंपल एनालिसिस करेंगे, मैंने सारी ड्राइंग्स हटा दी निफ्टी और बैंक निफ्टी की क्योंकि मैं भी इतने टाइम बाद चार्ट्स को देख रहा हूँ और मैंने कम से कम 10 दिन बाद अपना लैपटॉप ओपन करा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा देता हूँ और किस तरीके से करना है। सबसे पहले हम लोग ट्रेंड लाइन एनालिसिस कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या हमें बता रहा है और क्या चल रहा है। सबसे पहले मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई है ये, ठीक है, और इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन से मुझे क्या पता चल रहा है मैं वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर इसने फर्स्ट टाइम हॉल्ट करा, सेकेंड टाइम इसने यहाँ हॉल्ट करा, थर्ड टाइम आप देख सकते थे एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आई, उसके अंदर 3 दिन इनसाइड कैंडल रहा, फिर ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करा, रीटेस्ट करने के बाद एक शार्प फॉल आई है, वो भी कंटिन्यूस शार्प फॉल आई है, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को क्लैरिफाई है, इजी वे में चलेंगे और पता चलेगा कि क्यों गिरी है, क्या रीज़न है। प्योरली टेक्निकल चार्ट्स में हम फोकस करेंगे, ठीक है। अब मैं इस लाइन को हटा देता हूँ और हम फर्दर स्टडी करते हैं, थोड़ा जूम कर लेंगे चार्ट को। या तो इधर हम लोग ध्यान देते हैं कि इधर अब ध्यान देने वाली चीज क्या है, अभी निफ्टी पैटर्न क्या बना रहा था और वो पैटर्न में चेंज क्या आया है, और उसके हिसाब से हम लोग डिसीजन लेंगे कि अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां से मूवमेंट स्टार्ट हुई, निफ्टी ऊपर गया, थोड़ा सा रिट्रेस करा एंड दोबारा ऊपर गया, थोड़ा सा रिट्रेस करा। अब यहाँ पर जब इसने रिट्रेस करा तो आप देख सकते हैं जो हाई था, हाई को जब ब्रेक करा तब यहाँ रिट्रेस्ट करा और उसके बाद दोबारा नया हाई बनाया, ठीक है। तो जब दोबारा नीचे इसने रिटेस्ट करा तो प्रीवियस हाई जो था, एग्जैक्ट प्रीवियस हाई, इस पे ही सपोर्ट लिया और रिटेस्ट करा, दोबारा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर प्रीवियस हाई पे सपोर्ट लिया एंड दोबारा ऊपर गया एंड दोबारा नीचे आया और अपने प्रीवियस इस पे सपोर्ट लिया, जिस तरीके से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो कंटिन्यूस चल रहा था, अभी जो एक कंटिन्यूस रैली चल रही थी वो क्या थी, वो इस तरीके से थी कि मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट ऊपर जाता था, नीचे आता था, फिर जब इस लेवल को ब्रेक करता था तो दोबारा रीटेस्ट करके फिर नया हाई बनता था, फिर दोबारा नीचे आता था, इसको रीटेस्ट करता था, दोबारा नया हाई बनता था। अभी मार्केट एक अप ट्रेंड में थी, ठीक है, डेली चार्ट की बात हो रही है। अब क्या हुआ, अब हुआ ये, एक रेड कैंडल बनी, मार्केट ऊपर गई, अब ऊपर क्रॉस नहीं कर पाई, नीचे आ गई, इसको क्रॉस कर गया, ठीक है। यहां पर मैंने आप लोगों को बताई थी ये बात, ये 8th of September को ही ये शायद बात हुई होगी, मैंने आप लोगों को बताई थी। उसके बाद मार्केट ने नीचे क्रॉस करा, अब हम लोगों को पता चल गया था कि अब लोअर लोस लोअर हाइज बन रहा है, मतलब अब ना हाई को क्रॉस कर पाएगी और लो को ब्रेक करती रहेगी। पहले यहां पर क्या था, पहले लो को कभी भी ब्रेक नहीं करती थी, सिर्फ हाई को ब्रेक करती थी। अब यहां पर क्या हो रहा है कि प्रॉबेबली इसने एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाई, ऊपर गया, हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, नीचे आया, लो को ब्रेक कर गया, दोबारा ऊपर गया, डबल टॉप टाइप सिनेरियो बनाए, अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पाया है और दोबारा नीचे आया और दोबारा आप देख सकते हो कि अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर चुका है, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को क्लैरिफाई है। तो अब जब यहां पर देखिए, हर पास्ट में ही अगर आप चार्ट्स पर जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि अब क्या हो सकता है, ठीक है। यहां पर हमें क्या पता चल रहा था कि
ये इस तरीके से था, इसे ब्रेक करा तो यहां सपोर्ट लेता था और ऊपर जाता था। अगर मैं इसका रिवर्स कर देता हूं, मतलब अब सेल साइड में अगर हम ढूंढते हैं तो अब क्या होना चाहिए इसमें कि नीचे आया, हल्का सा ट्रेस करा, यहां ब्रेक करा और नीचे आ गया, तो यहां रिटेस्ट करेगा और फिर नीचे जाएगा। यहां पर भी हम लोग यही देख रहे थे, यहां पर भी यही हो रहा था, ठीक है। अब इस साइड में हमें फोकस करना है, तो इस साइड में फोकस करके हमें कैसे पता चल रहा है कि कहां सेलिंग प्रेशर आ सकता है। देखिए, ये था, इधर आया, नीचे आया, ये ब्रेक हुआ, फिर ऊपर गया, अपना हाई नहीं बना पाया और नीचे आया, और ये दोबारा प्रीवियस लो ब्रेक हो गया। तो प्रीवियस लो जो आ रहा है वो आ रहा है 11,200 पे। तो अब क्या कर सकता है, ये पर्टिकुलर 11,200 तक जा सकता है, यहां दोबारा रीटेस्ट करेगा। बेसिकली यहां पर ब्रेक कर चुका है ना, ब्रेक करा है, अब रीटेस्ट भी करेगा। अब रीटेस्ट करने के बाद हमें वेट करना है कि अगली कैंडल जब 11,200 को कभी भी छूता है, कल नहीं, परसों नहीं, कभी भी, उसके बाद हमें अगले दिन वेट करना है। क्या वो यहीं पर ही हॉल्ट कर रहा है? अगर यहां पर 3-4 दिन हॉल्ट करता है तो मतलब ब्रेक कर सकता है ऊपर की तरफ। बट अगर यहां पर दोबारा एक सेलिंग कैंडल हमें दिखती है या फिर डोजी दिखती है, तो यहां पर हम लोग फिर सिनेरियो बना सकते हैं शॉर्ट का। और पहला टारगेट हमारा ये होगा जो कि प्रीवियस लो है, और उसके नीचे के हमारे टारगेट्स हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी बाइंग के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सोच रहे हो बहुत ज्यादा गिर चुका है, हम बाइंग की तरफ बढ़ते हैं, तो देखिए बाइंग के मौके अभी नहीं बनाने चाहिए, ठीक है। जब तक ये पर्टिकुलर जो पहले प्रीवियस लो था इसके ऊपर जाके क्लोजिंग ना दे दे, ठीक है। और इसके अलावा सबसे बड़ा रेजिस्टेंस फिर ये आता है जो कि 11,600 पे, ज्यादा ऊपर है, ज्यादा ऊपर की हम लोग बात नहीं करेंगे, अभी 11,200 की बात करते हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रोबेबिलिटी थी निफ्टी के अंदर, तो निफ्टी पे अभी भी बाय नहीं बनेगा हमारे हिसाब से, ठीक है। और अगर ये तो मैंने आप लोगों को बताया बिल्कुल शॉर्ट टर्म का, ठीक है, जो हो सकता है 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर का। अब पूरा सिनेरियो कैसे चेंज हुआ वो भी मैं आपको बताता हूँ, और हो सकता है कि अब यहाँ से बाइंग की मोमेंटम दोबारा स्टार्ट हो जाए और नए हाइज भी बन सकते हैं, उसके पीछे का भी लॉजिक सुनिएगा। यहाँ देखिएगा, जब मैंने ये चीज़ आपके लिए बनाई, ठीक है, और ये सीधी रैली थी, तो मैंने आपको बोला यहां हॉल्ट कर रहा है, यहां हॉल्ट कर रहा है। अब हर एक बार तो रीटेस्ट कर रहा है ना, ये यहां पर भी एक बार रीटेस्ट करा है, यहां पर भी एक बार करा है, यहां पर भी करा है। अब दोबारा जब ये नीचे आया है तो ये वाली लाइन को इसने रीटेस्ट नहीं करा था, इस वाली लाइन को रीटेस्ट करा। देखिए मैं ढंग से लाइन बनाता हूं तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, बहुत इजी वे में है। ये देखिएगा, ये लाइन है, क्योंकि ये प्रीवियस लो है ना हमारा, ये वाला ही तो ब्रेक होना था। अब इस लाइन पे फोकस करेगा, मल्टीपल रेजिस्टेंस, ब्रेक हुआ, नीचे आया, रीटेस्ट करा, एक नया हाई बना दिया, अब नया हाई से नीचे आया। ये जो रेड कलर की कैंडल देख रहे हो, इस रेड कलर की कैंडल इस पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे बंद हुई है, जहां पर मल्टीपल सपोर्ट्स थे और पहले रेजिस्टेंस का काम करता था, ठीक है। क्लैरिफाई हो गई ये बात आपको, हल्के से समझ आई कि ये वाली लाइन ब्रेक हुई और कल एक गैप अप ओपन होने के बाद भी ये ऊपर जाके ही बंद हुआ है, तो ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल है निफ्टी का। मतलब ये नीचे अगर एक दिन और बंद हो जाता, इस लाइन के नीचे अगर निफ्टी एक दिन और बंद हो जाता, जो कि लेवल आ रहा है 10,900 का, अगर 10,900 के नीचे एक दिन और बंद हो जाता ये पर्टिकुलर निफ्टी, तो सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहता, ठीक है। बट हुआ क्या कि आपने क्या देखा कि यहां से हल्का सा तो नीचे गया, बट अगले दिन अच्छी तरीके से रिकवर भी करा है, ठीक है, गैप अप के बाद हायर साइड में ही क्लोजिंग दी है, तो ये एक पॉजिटिव बात भी होती है, ठीक है। तो अब हमें वेट करना है सेलिंग के लिए, ना इस लेवल में सेल करना है ना इस लेवल पे बाय करना है। मैं अब आप लोगों को बताता हूं निफ्टी में क्या करना है। ध्यान रखिएगा, ये लेवल 10,900 क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज हो जाती है। अगर 10,900 के नीचे, 10,890 के नीचे, 10,890 ले लीजिए, ठीक है, 10,890 के नीचे अगर निफ्टी क्लोज कर जाती है तो आप सीधा शॉर्ट कर सकते हो 11,050 का स्टॉप लॉस लेके, ठीक है, और ट्रेल कर सकते हो। बट अगर ये 11,200 के ऊपर बंद हो जाती है तो आप लोग एक बाय बना सकते हो, क्लोजिंग बेसिस पे अगर क्लोज करती है, और बाय बना सकते हो। और बाय बनाने का जो टारगेट होगा वो होगा 11,600 से लेके 550 तक का, और स्टॉप लॉस आपका जो होगा वो आप स्टॉप लॉस रख सकते हो 10,900 का, ठीक है, 300 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होगा, 400 पॉइंट्स का वो होगा स्टॉप लॉस। देखिए जैसे जैसे स्टॉक आपका 11,200 से 11,300 बढ़ा, आपका स्टॉप लॉस 10,900 से बढ़ के 11,000 आ गया,
ठीक है, जैसे ही आपकी कॉस्ट तक पहुंच जाए आपका ये पर्टिकुलर स्टॉप लॉस, बस आपको होल्ड करे रखना है अपनी क्वांटिटीज को, आधे आधे एग्जिट करते रहिए थोड़े थोड़े लेवल्स पे, कि आपको इवेंचुअली लॉस ना हो अगर मार्केट दोबारा उल्टा मार जाए। ठीक है, तो ये थे लेवल्स, ये सारा चीज़ें आपको बता दी गई हैं। इसके नीचे दोबारा क्लोज कर जाए तो शॉर्ट है, ये हमारे कुछ टारगेट्स होंगे, मैं टारगेट्स आपको नोट करवा देता हूँ। ठीक है, ये हमारे टारगेट्स हैं 10,560 का। ठीक है, 10,560 का टारगेट होगा हमारा, जैसी इसको ब्रेक करती है, इसके नीचे क्लोज करती है रेड कैंडल पे, हमारा टारगेट ये है, और जैसी इस लेवल को क्रॉस करती है ऊपर तो हमारा टारगेट ये है। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम लोगों को ट्रेड करना है। अभी जो ट्रेडिंग रेंज में बताता हूँ 10,900 से लेके 11,200 तक कोई भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अगर ट्रेड लेना भी है तो मैं यही सलाह दूंगा कि भाई प्राइस एक्शन को देखो, 5 मिनट का चार्ट ओपन करके प्राइस एक्शन को देखो, जिधर मोमेंटम दिखाती है इंट्राडे में पोजीशन को एग्जिट करो। होल्ड करके बिल्कुल मत जाना ये सोच के कि मार्केट बहुत ज्यादा नीचे गिर गई है, अब मैं 2-3 दिन के लिए होल्ड कर लेता हूँ, बाय के लिए मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। बिल्कुल भी ये गलती मत करना इस मार्केट पे, आपको इंट्राडे पे अपनी इंडेक्स की पोजीशंस को क्लोज करके चलना है। ठीक है, इंट्राडे में चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, रिकवर करने की मत सोचिएगा और होल्ड करिएगा मत। अब सीधा बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी को भी एक बार स्टडी कर लेते हैं, तो बैंक निफ्टी क्या सजेस्ट कर रहा है उसको भी एक बार हम चेक करते हैं। ठीक है, यहां पर भी मैं एक ट्रेंड लाइन एनालिसिस स्टार्ट कर देता हूं एक बार, देख सकते हो। तो बिल्कुल सेम सिनेरियो यहां पर है। ठीक है, और मैं इधर अपसाइड में भी बना, अपसाइड की हमें वैसे जरूरत तो नहीं है। ठीक है, या तो अब मैं अब इसे अगर जूम करता हूं तो प्रॉबेबली हमें क्या दिख रहा है कि इसने यहां से एक रिकवरी दिखाई है, ये पर्टिकुलर फर्स्ट टाइम, ये सेकंड टाइम एंड ये थर्ड टाइम आ रहा है। ठीक है, तो थर्ड टाइम में भी हम बाय बना सकते हैं, मतलब बेसिकली फर्स्ट टाइम तो इसे हम काउंट ही नहीं करेंगे, ये फर्स्ट टाइम था एंड ये सेकंड टाइम है, तो सेकंड टाइम पे हम लोग एक बाय इनिशिएट कर सकते हैं। बट क्या ये लेवल पे हमें बाय इनिशिएट करना है, ये तो हमें आगे अभी एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा। देखिए मेरे को तो पता है, आप लोगों को बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू। और देखिए मैंने अभी आपको निफ्टी एक्सप्लेन करा है ना, तो आपको बैंक निफ्टी का अपने आप पता चलते रहेगा। अब मैं बनाता हूं यहां पे। ठीक है, ये देखिए, अब ये चीज क्या बता रही है, अब ये चीज हमें ये बता रही है कि यार यहां पे बैंक निफ्टी ने क्या परफॉर्म करा, ऊपर गया नीचे आया, फर्स्ट टाइम हॉल्ट, सेकेंड टाइम हॉल्ट, थर्ड टाइम हॉल्ट। ठीक है, और उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो मल्टीपल, ये सपोर्ट था, ये लाइन एक सपोर्ट का काम कर रही थी, यहां 2 दिन जब ये हॉल्ट करा और इस लाइन को छूने के बाद ऊपर गया, तो बेसिकली हमें लगा कि जब इस लेवल के ऊपर ये जाएगा एक ग्रीन कैंडल बनेगी, हम अपनी बाइंग इनिशिएट कर देंगे। बट ऐसा हुआ नहीं और एक गैप डाउन ओपन हो गया, और गैप डाउन ओपन होने के बाद हमने क्या देखा कि ये पर्टिकुलर जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा था उसको भी ब्रेक करके नीचे क्लोज हो गया, और आज के दिन दोबारा उस पर ही रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, इसी पे रेजिस्टेंस ले रहा है, तो मतलब अभी जैसा मैंने आप लोगों को निफ्टी पे बताया कि रीटेस्ट कर रहा है, ये ब्रेक कर चुका है, ये रीटेस्ट हुआ, तो रीटेस्ट अगर दोबारा इसके नीचे जाता है तो हम लोग शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं, जो कि लेवल आता है 20,500 का। इसके नीचे हम लोग शॉर्ट इनिशिएट करेंगे, फ्रेश शॉर्ट इसके नीचे इनिशिएट करेंगे, और फ्रेश बाय हम इनिशिएट करेंगे जब 21,080 के ऊपर। ये 2 दिन मार्केट कंटिन्यूसली क्लोज करती है, देखिए फर्स्ट टाइम तो क्लोज करेगी, तो मैं फर्स्ट कैंडल पे कभी भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करूंगा, कभी भी जब एक साइकिल चेंज होना होता है, क्योंकि ये साइकिल बियरिश में आ चुका है और सेम एज निफ्टी भी बियरिश में आ चुका है। ठीक है, तो वो साइकिल को चेंज होने के लिए हमें एक कैंडल को ऑब्जर्व नहीं करना पड़ता, ब्रेकआउट के लिए हमें वेट करना पड़ता है कि अब वो उस लेवल के ऊपर सस्टेन भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तब भी हम लोगों को इवेंचुअली पैसा मिलेगा, आपको यहां पर ही उसका समझ में आ जाएगा। 2 दिन यहां पर ये सस्टेन करा, ठीक है, 2 दिन इसको टेस्ट करा और ऊपर जाके क्लोज हुआ, ये आपको विक से पता चल ही रहा होगा। तो क्या यहां पर बाय इनिशिएट करना समझ थी? नहीं, इसके ऊपर बाय इनिशिएट करने की समझ थी। ठीक है, यही तरीके होते हैं हमें देखने वाले। अभी यहां पर तो अब दिखा रहा है कि बाय बन सकता है, बट हमें वेट करना है कि इसके ऊपर अगर कल एक ग्रीन कैंडल क्लोज करती है तो भी मैं ट्रेड नहीं लूंगा। अगले दिन जब इसके ऊपर बंद हो रही होगी
तीन बजे के आसपास मैं देख रहा हूँ यार इसके ऊपर ही बंद हो रही है, तो मैं एक पोजीशन 3 बजे एक कॉल ऑप्शन लेकर बाय करने की सोच सकता हूँ और बैंक निफ्टी में लेकर जा सकता हूँ होल्ड के लिए, ठीक है, उससे पहले नहीं। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं जो हमें देखने वाली होती हैं, और इसके ऊपर अगर बंद हो जाता है तो यही हमारा स्टॉप लॉस है और हमारे टारगेट्स फिर होंगे प्रॉबेबली ये, ठीक है, ये हमारी एक रेंज होगी जहाँ पर टारगेट्स आ सकते हैं और इस हिसाब से हम लोग अपनी पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी वीक इस लेवल पे हुआ था, बस ये इस कैंडल ने बैंक निफ्टी को वीक करा था और जो अभी एक कैंडल जो मैंने आपको दिखाई निफ्टी पे, उस कैंडल ने निफ्टी को वीक करा था, बट रिकवरी आई है, आप यहाँ खुद देख रहे हैं रिकवरी आई है। तो रिकवरी आने का मतलब ये है कि भाई इसके ऊपर बंद होने दो दिन तो हम बाय बनाएंगे। कभी भी एग्रेसिवली ट्रेड मत लिया करना कि बहुत ज़्यादा गिर गई है तो यार इसका आधा तो रिकवर कर ही जाएगी, मैं बाय उठा ही लेता हूँ, ऐसी गलती मत करना। चांस देखो, जब तक हमें क्लोजिंग लेवल ना मिल रहा हो, हमारा लेवल ना मिल रहा हो बाइंग के लिए, तब तक हम लोग बाय नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस, होप आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत इजी लैंग्वेज पे बहुत आसान से समझाया है, यही अपने चार्ट्स के साथ करो। देखिए मल्टीपल हमें बार बार फिबोनाची बनाया वो पैटर्न्स आइडेंटिफाई करे, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल ट्रेंड लाइन एनालिसिस और पीछे जाके देखो कि पीछे क्या बता रहा है चार्ट, जो पीछे बता रहा है या उसके हिसाब से चल रहा है तो बिल्कुल वैसा ही करो जो पीछे बताता है। क्या डायरेक्शन चेंज हुई है? अगर हुई है तो जब तक वो डायरेक्शन स्टेबल नहीं होती है तब तक भी हमें ट्रेड नहीं करना, ठीक है। तो पेशेंस रहिए, थोड़ा वेट करिए, मार्केट को सस्टेन होने दीजिए, फिर आप वहां से निकलिए। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा गाइस, अपना सपोर्ट करिएगा, और मैं अब दोबारा कंटिन्यू हूँ और वीडियोस हमेशा अपलोड होंगी अब, तो यहाँ पर आप मुझे अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी बताएगा कि आपको एनालिसिस कैसी अच्छी लगी है। और बेसिकली जैसे कि आप लोगों को पता था, मैं ट्रेडिंग व्यू पे ही सारे अपने चार्ट्स को आइडेंटिफाई करता हूँ और ज़ीरोधा पे जाके ट्रेड लेता हूँ, तो वो दोनों चीज़ें अब मैं ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि मैं अब फायर्स पे अपना ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूँ। फायर्स पे क्यों? क्योंकि बेसिकली पूरा ट्रेडिंग व्यू जो जहाँ पर मैं ये ट्रेड्स देखता हूँ, ये पूरा ट्रेडिंग व्यू फायर्स के अंदर मुझे मिल रहा है और एक सिंगल स्क्रीन के अंदर मुझे सारी चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं, जिसकी वीडियो भी मैं जल्दी लेकर आऊँगा। और मेरा अकाउंट ओपन हो गया है, तो वहाँ पर मैंने अपना अकाउंट ओपन कर लिया था, मैं दो बार ट्रेड ले चुका हूँ, तो प्रॉबेबली कोई बात नहीं, मैं उसके वीडियोज़ भी बनाऊँगा। सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा एजुकेट कर दिया जाए दोबारा, क्योंकि मैं बहुत टाइम से मिस था, तो आप लोग भी बहुत वेट कर रहे थे और मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, ठीक है गाइस। तो इसी के साथ वीडियो लंबी हो रही है, तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ कल अगली वीडियो पे, 9 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में अपलोड हो जाया करेगी मेरी वीडियोज़, सो आप लोग वॉच कर सकते हैं।